फ्रेंड्स, नारियल की चटनी के लिए हरा धनिया मैंने छत पे ही लगा रखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हरा धनिया कितना प्यारा लग रहा है। मैं अभी इसको काटने वाली हूँ सीजर से, थोड़ा छोटा छोटा है। और ये कड़ी पत्ता, फ्रेंड्स ये हरा धनिया और ये कड़ी पत्ता, दोनों चीज़ मैंने छत पे ही लगा रखी हैं। तो फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता और हरा धनिया तोड़ के मैं ले आई इस नारियल की चटनी के लिए। सबसे पहले मैंने लिए हैं दो नारियल, जिनको मैंने अच्छे से मतलब फोड़ के काट के छील लिया है, और जो साइड में से इसका जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा होता है वो भी मैंने इसको निकाल के एकदम क्लीन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं चना। अब की बार मैं थोड़ी सी नारियल की चटनी रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। हम इसमें भुने हुए चने लेंगे और हम इसके अंदर लेंगे पीनट्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारे हो गई। उसके बाद हम लेंगे इसमें तीन हरी मिर्च, अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो आप ज़्यादा तेज़ हरी मिर्च खा सकते हो, पुदीना, हरा धनिया और साथ में कड़ी पत्ता। तो फ्रेंड्स चलिए आगे का मैं रेसिपी आपको बताती हूँ कि नारियल की चटनी किस तरह से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में तेल गरम किया है, एकदम धीमी आंच पे। उसके बाद जो ये हमारे पीनट्स हैं इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से एकदम हल्का हल्का हमें इसको रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप देखिए हल्की हल्की सी जो पीनट्स से ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर लूंगी भुने हुए चने, इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, एकदम धीमी आंच रहनी चाहिए। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कड़ी पत्ता, साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च, और फ्रेंड्स अदरक का टुकड़ा मैं दिखाना भूल गई थी, अभी दिखा देती हूँ आपको। और गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद। अब इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम एक मिक्सी के जार में अपने नारियल के टुकड़े डालेंगे, जिनका हमें पेस्ट बनाना है अच्छे से, ये आप देख सकते हो। साथ में इसमें ऐड करेंगे पुदीना, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है, और साथ ही इसमें करेंगे फ्रेश फ्रेश घर का हरा धनिया जिसको मैंने छत पे लगाया हुआ है। और फ्रेंड टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम ऐड करेंगे नमक, उसके साथ में पानी, आपको जितना थिक पेस्ट चाहिए या पतली चटनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी। तो फ्रेंड्स अब हमारे रोस्टेड चने और पीनट्स भी ठंडे हो चुके हैं, इनको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ढक्कन को करेंगे बंद। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स नारियल की चटनी का पेस्ट बनकर एकदम रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और साथ में अब हम करते हैं अपनी तड़के की तैयारी। तो फ्रेंड्स तड़के के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े स्पून में, जिसको चमचा बोलते हैं, उसमें मैंने सरसों का तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर सरसों के दाने चटकाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमें दो से तीन मिर्च, साबुत लाल मिर्च हमें तोड़ तोड़ के इसमें ऐड कर देनी है, और हमारा जो तड़का है वो एकदम रेडी है। अब हम इसको अपनी नारियल की चटनी के अंदर ऐड कर देंगे।
फ्रेंड्स, हमारी नारियल की चटनी बनकर एकदम रेडी है, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने नारियल की चटनी की वीडियो एक अपलोड की हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए मैं और लाती रहूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय।